पिता नौवे पातशाह ने चरणा के शीस नवा के शुकराना कर दिया ते थोड़े सारिया का शुकराना कर दिया। विशेष श्रोमणी अकाली दल के रोकड़ साहबान इस जोर से दबल की सरकार का टाकरा करते हुए आज हक के सच की लड़ाई वास्ते तुम इतनी वड्डी गिनती नाल इत्थे पहुंचे हो जिन्हें इत्थे आए ने इस तो दुगना शायद बॉर्डर से रोके गए ने ते दिल्ली के वक् वक् सड़कों से रोके गए ने। आज दुख है कि एक साल हो गया जिथे आज सरकार जड़ी कहती थी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास 12 सितंबर 2020 अपने सहयोगी पार्टियां के नाल का विश्वासघात किया लेकिन सरकार पूरे देश के किसानों का विश्वासघात कर रही है। जिहड़ी सरकार कहती थी आजादी के 75 साल से 2022 के किसान की आमदन दुगना कर देंगे दुगना तक की करना थी 2020 के काले कानून जोर से जबर के नाल लागू करके देश के किसान पंजाब के किसान के टिड से लत मारन का काम इस पार्लियामेंट से शरेआम देश से दुनिया के सामने होया। मैं शुक्राना कर दिया गुरु साहब का कि 100 साल की पुरानी पार्टी का इतिहास के देश की आजादी के वास्ते सब तो वध किसी का खून डोलिया वो पंजाबियों का खून डोलिया सीगा। देश की आजादी तो पहले भी जब चापिया गुरुद्वारों को रिहा कराने वास्ते लड़ाई लड़ी वो पंजाब के योद्धा ने वो लड़ाई लड़के जित हासिल की थी। आजादी तो बाद जब देश का ढिड भरन का काम किया पंजाब के किसानों ने वो काम पूरा किया जब देश अन्न वास्ते विदेशों वास्ते भीख मांगता सीगा। अज किन्ने दुख की गल कि जिहड़ी सरकार इन्नी वड्डी वड्डी गल्लां करदी है वो सरकार ने साल लगाता एक साल तो साढ़े किसान बॉर्डर ते बैठे ने 700 तो नेड़े साढ़े भरा शहीद हो गए ने लेकिन इन्हों के कान से जू तक नहीं खिसती अज तक किसानों की गल नहीं पुछ रहे। शुकराना कर दिया गुरु साहब का कि श्रोमणी अकाली दल नु तुसी मान हमेशा 100 साल तो बख्शिया है जबर ते जुल्म का सामना हमेशा डट के किया हैगा ते इस जबर ते जुल्म का सामना करन वास्ते सब तो पहले पिछले साल दी 17 तारीख नु श्रोमणी अकाली दल ने अपना दृढ़ता दिखाई। लगातार एक साल इस लड़ाई नु अपना लड़ते रहे ते अज भी मैं कहन दिया अज तुसी सारे इत्थे पहुंचे हो इस जबर के खिलाफ आवाज उठाने वास्ते ते जड़ी सरकार की इस राजधानी में हुकूमत है वो किथे पिछले साल पर तो जिन्होंने 100 खतियां की शपथ चक्की थी पंजाब के लोगों की राखी करन वास्ते वो सरकार ते वो पार्टियां किथे ने ते केड़ी पार्टी इत्थे पहुंची है ते तुसी सारे योद्धे इत्थे पहुंचे हो क्योंकि हमदर्दी ते वफादारी श्रोमणी अकाली दल दिखा सकते हैं। सरकार को मैं दसना चाहूंगी आ देख लो आठ थोड़े जोर से जबर के बावजूद सारे थोड़े जबर का सामना करते हुए आ साडे योद्धे इतने पहुंचे ने जिथे मैं अपने नौजवानों का शुक्राना कर दिया जिस तरह का जोश तुसी दिखाया है उसे मैं खास तौर पर अपनी भेनों का अपनी बीबिया का शुकराना कर दिया। मैनु दुख होया रात के 2-2 बजे तक कि मैं सड़कों से बॉर्डर से रोकता मेरी भैन उसे सड़क से बैठिया थी लेकिन डट के अज इन्हों चीजों के चुनौतियों के बावजूद डट के जड़िया भैन पहुंचिया ने मैं उन्होंने चरणों से अपना शीश नमन कर दिया। आ हैगी अकाली दल की स्पिरिट आ हैगी अकाली दल का जज्बा ते मैं इस सरकार को दसना चाहती हाँ एक साल निकल गया जे तुसी किसानों के काले कानून वापस नहीं किते किसानों की इस हक के सच की लड़ाई में उन्हों की गल नहीं मानी ते फिर यह सरकार की उल्टी गिनती तो पिछले साल शुरू हो गई थी 2024 साढ़े वास्ते दूर नहीं
ना पंजाब से तुसी हाथ पैर रख सकते हो, हरियाणे में तुसी खेती अलविदा हो जाओगे, तो उत्तर प्रदेश भी दूर नहीं, तो ओदे बाद तुसी एक काले मंड च भी एक बार फिर उन्हें दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टी बन जाओगे। जिस समय अकाली दल थोड़ा साथ देता सी तो थोड़े कले दो एमपी होंगे थे। सरकार नु आ भी कहना चाहूंगी, गुरु साहब के बचन है, खालसा मेरा रूप है खास, खालसा मैं हूँ करो निवास। साढ़े डुबो जो बटल गुरु साहब हाजर नाजर ने एक खालसा पंथ से सीस से उसे साढ़े गुरु का हाथ हैगा, गुरु साढ़े बिच वास्ता हैगा। आज तक कोई हुकूमत नहीं हुई, कोई ऐसी ताकत नहीं हुई जिन्होंने श्रोमणी अकाली दल की खालसा पंथ नु कदे नीवा दिखा सके। एरे विच भी एक एक अपना योद्धा अपने देश के किसानों के हक वास्ते जी जान लगा के लड़ाई लड़ता रहूंगा। ज्यादा तो ये काले कानून वापस नहीं होंगे। लड़ाई जारी है, डटे रहोगे। पार्लियामेंट की कला मिलान वास्ते सेवन एल के एम लोक नायक जिथे भी रेंदे ने उथे तो स्नेहा पहुंचाने वास्ते गज के बोलो काले कानून, काले कानून, काले कानून, काले कानून, वापस करो। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।